फ्रेंड्स, आज मैं आपको मशरूम मसाला की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आप सबको पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मशरूम 400 ग्राम लिए हैं और इसको सबसे पहले हमें मैरिनेट करना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इसमें ये हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है ये डालना है। फिर इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे और ये 2 टीस्पून दही डालेंगे और इसको मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए रख देंगे मैरिनेट करके। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालना है, हाफ टी स्पून। अब इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम कढ़ाई को हीट करने के बाद उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ये देखिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसको गर्म होने देंगे। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब ये गरम हो चुका है। अब इस सबसे पहले हम इसमें ये 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 4-5 लौंग के टुकड़े, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 हरी इलायची ली है। देखिए सब इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए थोड़ी सी मीडियम फ्लेम रखनी है। जब जीरा वैसा होने लगे तब इसमें ये 2 अनियंस को मैंने चॉप करा है, बारीक चॉप किया है। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब ये प्याज बस भुनने को आ गई है गोल्डन ब्राउन। तो हम इसमें ये हरी मिर्च के 2 हरी मिर्च को मैंने लंबा कट करके इसमें डाल दिया है। अब ये लहसुन और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको 2 मिनट तक भूनिए। अब हम ये हो गया है, ये सब भून गया। अब इसमें हम 3-4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और ये 1 टीस्पून पिसा धनिया और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद फिर हम इसमें ये चॉप टोमेटो है, 2 मीडियम साइज टोमेटो ले रखे हैं, अब इनको हमने इसमें डाल दिया है। टोमेटोज मैंने इसे डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा 1 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। उनसे थोड़ा ज्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट को डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा चला दीजिए, फिर इसको 2 मिनट के लिए ढक दीजिए मीडियम फ्लेम के लिए। हाँ, ये 2 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए ताकि जो टोमेटोज हैं वो अच्छे से मैश हो जाए, पक जाए। हाँ फ्रेंड्स, तो अब 2 मिनट हो गए हैं, देखिए कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये बटर लिया है मैंने, ये 2 टीस्पून बटर लिया है। इसको हम इसमें मेल्ट होने देंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल की बजाय आप और उसमें 2 चम्मच एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं।
ये मैंने बटर डाल दिया है इसमें। अभी बटर डालने के बाद ये काजू पाउडर है, ये मैंने 10-12 काजू को लेके पीस लिया है। अब ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून देंगे। ये देखिए भून रहा है। 2 मिनट इसे भूनने के बाद फिर ये जो हमने मैरिनेट किया था, ये जो हमने मैरिनेट किया था मशरूम, अब हम इसमें ये डाल देंगे। और इसको ऐसे बराबर चला देंगे। मैंने सिर्फ मशरूम को केवल 2-2 पीस में काटे है। एक मशरूम को आपको जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। देखिए मैंने हाफ पीस में काटा है। अब इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब 2 मिनट हो गए, मैंने इसे भून दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, 1/2 ग्लास बस। अब हम इसको ढक देंगे 5-7 मिनट्स के लिए और मीडियम फ्लेम रखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए ये रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और धनिया से गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम धनिया से गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा मशरूम मसाला रेडी हो चुका है। आप लोग प्लीज इसको बना के जरूर देखिएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।